देश के मशहूर बिजनेसमैन पद्म विभूषण रतन टाटा का बीती रात देहांत हो गया। पिछले कुछ दिनों से बीमार होने की वजह से उन्हें मुंबई के कैंडी ब्रिज अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां बुधवार रात उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्होंने 40 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। रतन टाटा ने अपने पूरे जीवन में कड़ी मेहनत के बल पर उद्योग जगत में अपना नाम बनाया था। बिजनेस के हर क्षेत्र में उन्होंने अपना योगदान दिया। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने भारत का नाम रोशन किया। यही वजह है कि वो सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अपने व्यक्तित्व से भी देश के रत्न थे। उन्होंने भारत में फैशन को बदलने में भी अहम भूमिका निभाई। रतन टाटा स्वाभाविक रूप से स्टाइलिश थे। अपनी इसी खूबी की वजह से भारत में फैशन की दुनिया में बदलाव के लिए एक प्रेरणा साबित हुए। उन्होंने बताया कि देश में फैशन के बारे में कैसे सोचा जाता था और उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता था। उनकी इसी सोच ने लाखों भारतीयों को स्टाइलिश और टॉप क्लास कपड़ों का ऑप्शन दिया और देश में आधुनिक फैशन के एक नए युग को बढ़ावा देने में मदद की। आइए जानते हैं कैसे पद्म विभूषण रतन टाटा ने देश का फैशन बदला। उन्होंने भारतीय फैशन जगत में एक बड़ा योगदान दिया, जिसकी वजह से टाटा ग्रुप भारत के फैशन रिटेल के लिए एक पावर हाउस बन गया। साल 1998 में उन्होंने वेस्ट साइड लॉन्च किया, जो एक बिल्कुल नया ब्रांड था जिसने भारत के फैशन के प्रति नजरिए को बदल दिया। आज वेस्ट साइड एक ऐसा नाम बन गया है जिसे कई भारतीय परिवार पहचानते हैं, जो किफायती और आधुनिक फैशन के रूप में पूरे देश में उपलब्ध है। वेस्ट साइड ने गुणवत्ता और डिजाइन को एक नए तरीके से परिभाषित किया, जिसने लाखों लोगों की जेब में फैशनेबल कपड़े डाले। फैशन की दुनिया में बदलाव करने का उनका ये सिलसिला यही नहीं रुका। भारतीयों को बजट फ्रेंडली और स्टाइलिश कपड़े उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने जूडियो नाम का ब्रांड शुरू किया। साल 2016 में शुरू हुए इस क्लोदिंग ब्रांड की टारगेट ऑडियंस 16 से 35 वर्ष के बीच के युवा थे। बीते कुछ समय से जूडियो एक लोकप्रिय क्लोदिंग ब्रांड बनकर उभरा है, जो भारतीय ग्राहकों के बीच अपनी जगह बना रहा है। मिडिल इनकम कस्टमर्स के लिए लाए गए इस ब्रांड का मकसद किफायती दामों में स्टाइलिश कपड़े उपलब्ध कराना था।